मुझे ये बता, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? नहीं बताऊंगा, तू इसी सवाल के साथ मरेगा। लड़का 5 लाख रुपए कमाता है, बहुत अच्छा रिश्ता है साहब। आप लेकर आए हैं तो अच्छा ही होगा ना। आप तो ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वो देखिए, लड़की भी आ गई। कैसी लगी ये? मुझे बहुत पसंद है। तो तुम कर लो शादी। शादी उसको करनी है, तुमको नहीं, समझी? तुम बताओ बेटा। मुझे तो बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लड़की से बात करना चाहते हैं? जी नहीं, मुझे बात करनी है। ये कौन है? मेरा बेटा। अच्छा अच्छा, शादी तो लड़की करेगी ना, वो बात करे तो बेहतर है। हाँ क्यों नहीं, मुझे इनसे बात करनी है। इसलिए? दीदी की पसंद मुझे अच्छे से पता है। तो दीदी बात नहीं करेगी? तुम्हारी बात दीदी ऐसे ही मान जाएगी? मुझे भी बात करनी है। तो बोलो भैया को क्या पसंद है, मैं भी जानती हूँ। कर लो बात। तुम्हारा नाम क्या है? नाम महेश है। डेट ऑफ बर्थ? 15 अगस्त 1986, आजादी वाला दिन। माँ का नाम? दुर्गा देवी। डेट ऑफ बर्थ? माँ का डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1966। पापा का नाम? पुरुषोत्तम। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1954। गर्लफ्रेंड? नहीं है जी। मैं बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड की कर रहा हूँ। अनुषा। डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1990। ठीक है दीदी, इसे सबके डेट ऑफ बर्थ याद है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी, तुम्हारा बर्थडे बिना भूले तुम्हें विश करेगा। देखो बात यह है दोस्त के लड़कियों को प्रॉपर्टी से फर्क नहीं पड़ता, पर लड़का मैरिज एनिवर्सरी भूल जाए या बर्थडे भूल जाए तो उन्हें दुख होता है, इसलिए कंफर्म कर रहा था। ओहो। अच्छा तो मेरी दीदी पसंद है, पर क्या इसका ख्याल रखोगे? सोने की जैसे संभाल कर रखूंगा। क्या मतलब है, बॉक्स में रखेगा बंद करके? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं। ठीक है ठीक है, प्यार से पेश आना। ठीक है ना जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना। आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे तो चलेगा, लेकिन भैया की बात पे नो कॉम्प्रोमाइज। आपके भैया ने पूरी पिक्चर दिखा दी, मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा? तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देख भाई, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। बहुत प्यार से पाला है, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिख सकता। मेरी बहन मेरी जान है। अगर ऐसा हुआ कि तुमने शादी के बाद मेरी बहन को तंग करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी नहीं मारूंगा, गलती की तो मारूंगा। आ जाओ। डैडी, वो लोग जाते जाते आपसे क्या बात कर रहे थे? शादी की बात है, बहुत सारी बातें रहती है। शादी क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बताइए कितना पैसा मांगा? 1 करोड़ मांगा। 1 करोड़? हाँ, इसीलिए थोड़ा सोच में पड़ गया। इसमें सोचने की क्या बात है डैड, मेरे नाम से जो फ्लैट है उसे बेच दीजिए। लेकिन वो फ्लैट तुमने अपने लिए खरीदा है ना? माँ, दीदी पहले है, फ्लैट का क्या है, बाद में खरीद लेंगे। 3-4 दिन में मुझे जॉब मिल जाएगी, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और फिर एक बड़ा सा फ्लैट ले लूंगा। डैड मुझे 10,000 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए? मुझे जॉब मिल गई है ना, तो फ्रेंड स्ट्रीट मांग रहे हैं, मैं ना डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, तो मुझे ये पैसे चाहिए। क्या है, पिताजी के पैसे लूट रहे हो? डैड तो मेरे भी हैं, मैं डैड से पैसे ले रहा हूँ तो तू क्यों दुखी हो रही है? उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए? वो तो अभी अभी दिया है 1 करोड़, और कितना चाहिए? करोड़ों ही नहीं, पूरी जायदाद देनी पड़ेगी। क्यों नहीं दोगे क्या? डैड जल्दी से शादी करके भगाइए इसे, पूरी जायदाद मांग रही है। अच्छी रंगोली बनाई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। पहले कभी नहीं देखा? हम यहाँ नए नए रहने आए हैं। तुमने जो रंगोली बनाई है बहुत ही सुंदर है। थैंक्स आंटी। चलती हूँ मैं। हाँ दीदी, कॉफी दो ना। आंटी। अरे बेटी, सत्यनारायण भगवान के घर में पूजा हुई थी, उसका प्रसाद लाई हूँ। अच्छा अच्छा। दीदी कॉफी। कॉफी। मेरा बेटा है ना, उसे उठते ही गर्मा गर्म कॉफी चाहिए। तुम पियोगी कॉफी? नहीं नहीं आंटी। कॉफी लाओ ना दी। बेटी जल्दी से अपने भाई को कॉफी दे दे। माँ आज आप दे दो ना। मैं दे दूँ? अरे उठते ही उसे तेरी शक्ल देखने की आदत है, मेरी नहीं। माँ प्लीज, आज के दिन आप दे दो ना कॉफी, प्लीज दे दो। मेरी बेटी है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। कुकर की सीटी बज रही है, मैं अभी आती हूँ। अरे दीदी कॉफी लाओ ना। बेटी
अगर बुरा ना मानो तो मेरे बेटे को ये कॉफी देकर आओगी? वो क्या है कि मैं सब्जी बना रही हूँ, वो कहीं जल ना जाए इसीलिए। ठीक है आंटी। लेकर आओ बेटी, कमरा उधर है, यहाँ से जाओ। कॉफी। ए, तुम कौन हो? नहीं नहीं, तुम्हारी पड़ोसन बनी हूँ। मेरे घर में क्यों आई हो? कॉफी देने के लिए आई हूँ। सुबह सुबह पड़ोसियों को कॉफी देना तुम्हारी आदत है क्या? नहीं बाबा, तुम्हारी माँ ने कहा था इसलिए। ठीक है लाओ। वैसे सर पे क्या है, नारियल वाला हेलमेट है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं चलती हूँ। नाम बताए बिना चलेगी? कितनी बार घूमना दीदी? 108 बार। पैर दुखने लग जाएगा। कोई बात नहीं, घर में बाम है, उसे लगा लेना, ठीक हो जाएगा। चक्कर आने लगेंगे। आंखें बंद करके घूमो, चक्कर नहीं आएगा। तो फिर इंतजार किस बात का? शुरू करो। मैं नहीं, तुम शुरू करो। शुरू करो। मैं क्यों करूं? अरे मैंने मन्नत घूमने के लिए नहीं मांगी है, घुमाने के लिए मांगी है। हाँ, मन्नत तुम मांगो और घूमू मैं? क्यों, अपनी प्यारी दीदी के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकता। चलो घूमना शुरू करो। नहीं करूंगा। चलो ना। ठीक है जा तो रहा हूँ, पर तुझे भी 7 बार ऊपर नीचे उतरवाऊंगा। वो बाद में देखेंगे, पहले तुम घूमना शुरू करो। ये ले। अब 108 बार घूमना पड़ेगा। क्यों रुक गए? कौन है ये? वो जो सुबह सुबह कॉफी देने आई थी ना, यही है वो। ये है सुबह सुबह यही घर आई थी ना, इसकी वजह से आज माँ ने मुझे बहुत डांट लगाई। देखो जरा कैसे पूजा कर रही है। भाई। दीदी। तुम ऐसे ही लड़की ढूंढकर शादी करना। तुझे क्या हो गया दीदी? उसे देखो, वो हमारी तरह टाइम पास के लिए पूजा नहीं कर रही है, दिल से पूजा कर रही है। देखो इसकी पूजा भक्ति, मुझे लगता है ये बहुत संस्कारी लड़की है ना, इसलिए तुम ऐसी लड़की ढूंढो। तो क्यों ना इसी लड़की से शादी कर लूं? मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा भाई। तो ठीक है, अभी ट्राई करता हूँ। ऑल द बेस्ट भाई। हेलो सुनो, उस दिन मेरा नाम बताई चलेगी? अरे हंस क्यों रही हो, नाम तो बताओ। मैं चलती हूँ। नाम बता के जाओ ना यार। ओए कॉफी गर्ल। हाँ? अपना नाम तो बता के जाओ ना। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारा नाम यही रख दूंगा। नाम तो बता दो। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैंने पूछा भी नहीं, मैंने तुम्हारा नाम रख दिया है, पड़ोस की कॉफी गर्ल। मुझे ये नाम पसंद नहीं। हाँ? तुम्हारी पसंद से मुझे क्या लेना देना, मुझे पसंद है ना, यही काफी है। ये क्या बात हुई, मुझे बुला रहे हो और कह रहे हो कि मुझसे कोई लेना देना नहीं? इतने बड़े बड़े सवाल मत किया करो, क्योंकि आंसर दे दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ऐसा क्या देख रही हो, और ये बैग किस लिए, कहाँ जा रही हो इसे लेकर? ऑफिस जा रही हूँ। क्या बात है, सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना, क्या बात है, तुम तो बहुत बिजी गर्ल हो यार। हाँ जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? क्या करते हैं मतलब, इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हो कि मैं आवारा हूँ, सही कह रहा हूँ ना? इनडायरेक्टली क्या, मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, आपको कोई जॉब नहीं मिला? बस बहुत हो गया, फालतू सवाल मत करो, खुद से प्यार हो तो ऐसे सवाल मत करना। अब एक काम करो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ये बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसे छोड़ दो। मैं मजाक करूं तो कहते हो कि तुम मुझे मारोगे, मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है तो कहते हो छोड़ दो। तुम क्या लड़कियों से ऐसे ही बातें करते हो? मैं तो ऐसी ही बातें करता हूँ, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मेरी यही आदत है, तुम्हें सहना पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों सहूंगी? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब क्या है, प्यार? नहीं, वासना। हाँ? अरे ऐसे मत डरो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ कॉफी गर्ल, अब हाँ बोल दो। अरे बाबा, मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है, इस बात को समझो। कोई चांस ही नहीं है, खुदा ने तुम्हें बनाया है सिर्फ मेरे लिए। अब एक काम करो, नंबर दो अपना। हाँ, मैं नहीं दूंगी। जब होने वाला पति कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। चलो नंबर दो। नहीं दूंगी। जल्दी दो। नहीं दूंगी। दो नंबर। नहीं दूंगी। या आई जस्ट नीड, सॉरी सॉरी सॉरी। ओए पड़ोस की कॉफी गर्ल, तुम यहाँ कैसे? तुम? मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया है, जॉब पर आज मेरा पहला दिन है। हे भगवान। पर तुम यहाँ कैसे? बदतमीजी मत करना, तुम्हारी टीम लीडर मैं हूँ। हे कांग्रेचुलेशंस। ए, जो मन में आए वो यहाँ बोल नहीं सकते, जो मन में आए वो यहाँ कर नहीं सकते, ये घर नहीं ऑफिस है। मतलब बाहर कर सकते हैं ना? मेरी बात तो क्या? ए, चुपचाप मेरे साथ चलो। कहाँ चलना?
मेरे कैबिन में। लेकिन किसी ने हमें देख लिया तो क्या सोचेगा? ओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये मैं कहाँ फंस गई? मैं सर दबा दूँ? ये तो WWE देख रही है। ओ, तुम हो, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। वो कल मैंने प्रसाद का बर्तन दिया था। वो माँ, वो पड़ोस वाली प्रसाद का बर्तन लेने आई है, वो ले आएंगी, तुम आओ बैठ जाओ। अच्छा, तुमने मेरे भाई के ऑफिस में ज्वाइनिंग की है? नहीं, तुम्हारे भाई ने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है। हाय। ये सिर्फ देखने में गुंडे जैसा लगता है, लेकिन है बहुत भोला भाला। हाँ पता है मुझे, ये बहुत भोला भाला है, और इतना भोला भाला है कि सामने दीदी बैठी है फिर भी उनके सामने लड़की को बिंदास होके आँख मार रहा है। हुँ? सच में क्यों, तूने आँख मारी क्या? है, चांस ही नहीं है। हाँ? वहाँ इतनी दूर बैठ के क्यों, यहाँ पास में आके बिंदास आँख मारो ना, है ना? हाँ? ये सच में इसकी दीदी है या? कैसा लड़का है ये? ये लो बेटी, प्रसाद का बर्तन। थैंक्स आंटी, जल्दी लाने के लिए, अगर आप देर कर देती तो मैं पागल हो जाती। हुँ? मैं चलती हूँ आंटी। तू भी ना। अच्छा ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बहन जी। लक्ष्मी, एंगेजमेंट फिक्स कर दी। ऐसा क्या, ये तो बहुत खुशी की बात आने है। आने वाले गुरुवार को। पिताजी। अब वॉलेट में तो पैसे है नहीं बेटी, चाहो तो डेबिट कार्ड से खरीद लो। पिताजी। क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है बेटी, चाहो तो डेबिट कार्ड यूज कर लो। पिताजी। ये आखिरी के 1000 रुपए बचे हैं मेरे पास, अब चलो यहाँ से। ठीक है पिताजी, घर जाने से पहले साईं बाबा के मंदिर चलते हैं दर्शन करने। समस्त सत्गुरु साईनाथ महाराज देवताभ्यो नमः, आनंद कर्पूर मंगलमह, नीराजलं दर्शयामि, नीराजलानंतरं प्रसादं समर्पयामि। वो सुनार की दुकान से फोन आया था, हमने ऑर्डर दिया था, वो सब तैयार है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। हेलो, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या डैड, आप लोग कार में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना बेटा। ओके डैड। हेलो, चल ठीक है। अरे जोर से बोलो यार, आवाज नहीं आ रही है। Oh, my God.
खोलो दीदी, आंखें खोलो दीदी, दीदी दीदी आंखें खोलो दीदी दीदी। दीदी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। दर्द हो रहा है। नहीं दीदी, दीदी नहीं दीदी, दर्द हो रहा है दीदी, दीदी पिताजी कहाँ है, माँ कहाँ है, तुम ठीक हो ना दीदी? तुम ठीक हो ना, तुम ठीक? दीदी 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 बेटी, सामने वाले लड़के को नाश्ता दिया क्या? नहीं माँ। एक बार उससे मिल तो लो, बहुत बुरा हुआ उसके परिवार के साथ। ठीक है माँ। जब जाओगी तो बता देना, उसके लिए नाश्ता दे दूंगी तुम्हें। ठीक है माँ। सुनिए, कोई है? वो बेचारा बहुत दुखी होगा। सुनिए। क्या हुआ कॉफी गर्ल? टिफिन क्या सही टाइम पर लाइयो। ऐसा क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कोई बात तो है? तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, तुम्हें इस बात का दुख नहीं है? है ना। लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो क्या दुख को बाहर दिखाना जरूरी है क्या? हाँ दुख है, यहाँ है, जल रहा है, और वो बाहर आएगा। उस दिन बाहर आएगा जिस दिन वो बॉम्ब रखने वाला पकड़ा जाएगा। देखना तब भ्राम से बाहर आएगा वो। तुम फिक्र मत करो, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। पुलिस नहीं पकड़ेगी उन्हें, उन्हें तो मैं पकड़ूंगा। मैं ही उन्हें ढूंढूंगा और मैं उन्हें पकड़ूंगा और सबको एक एक करके मार डालूंगा। क्या कहा, मार डालोगे? तुम प्रोफेशनल मर्डरर हो क्या, या फिर कोई गली के गुंडे हो? कुछ भी हूँ तुम्हें क्या? जैसे चूहा पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, जाल बिछाकर पंछी पकड़ते हैं, वैसे ही मैं उन सबको पकड़ूंगा और साईं बाबा के मंदिर पर ले आकर बॉम्ब से उड़ा दूंगा। सुनो, तुम नॉर्मल बात करोगे तो मुझे नॉर्मल लगोगे, पर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें पागल ही समझूंगी। मैंने सोचा तुम दुखी होगे तो तुम्हें नाश्ता देने आ गई, तुम तो उल्टा मुझे शौक दे रहे हो। मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। मैं चलती हूँ। हाँ द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट को 3 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये बात हमारी समझ के बाहर है। सरकार ने पीड़ितों को 1,00,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उनका परिवार इस वक्त किस हाल में है ये बताना हमारा फर्ज है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक परिवार से। मुआवजे के रूप में सरकार आपको 1,00,000 रुपए दे रही है, इससे क्या आप खुश हैं? खुशी कहाँ की खुशी है और कैसी खुशी है। शरीर बूढ़ा हो गया, हाथों में ताकत नहीं, पेट भरने के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे घर का एक ही सहारा था वो भी अपाहिज होकर मेरी आंखों के सामने पड़ा रहता है। इस बुढ़ापे में जिसका इकलौता बेटा ऐसी हालत में हो उसकी क्या दशा होगी बताओ। मेरा सहारा बनने वाला मेरा बेटा आज दूसरे के सहारे जिंदा रहने पर मजबूर है, ये देखकर किसे खुशी होगी बाबू। आज घर की जिम्मेदारी मेरे बेटे की जगह मेरी बहू उठा रही है। बच्चे हंसना खेलना भूल गए हैं, बहू के चेहरे से मुस्कान चली गई, इकलौता बेटा मुर्दे की तरह पड़ा है, किस बात की खुशी होगी मुझे। मेरे बेटे के बदले मुझे 2,00,000 रुपए मिल रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी तो नहीं गुजर जाएगी। मेरा बेटा सही होता तो जिंदगी भर हमें कमा कर खिलाता है। तो देखा आपने बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार का हाल। कैमरामैन प्रकाश के साथ साई 10 टीवी।
ये लीजिए सर। द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को पुलिस ने पहचान लिया है। आरोपियों ने ये बॉम्ब ब्लास्ट मोबाइल के जरिए ऑपरेट किया था। ये लोग एक सप्ताह पहले शहर में आ गए थे और यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे, ये बात हमें सूत्रों से पता चली है। अब हम आपको यूज मी लॉज लेके चलते हैं। टेररिस्ट इसी यूज मी लॉज में ठहरे हुए थे। यही वो लॉज है जिसका टेररिस्ट ने यूज किया था। देखिए अच्छी तरह से देखिए, यही है यूज मी लॉज। हम उसके ओनर से बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम उनसे सवाल करेंगे। यही है यूज मी लॉज के ओनर। आपको बोलना होगा, बोलिए। आपको बोलना होगा, देखिए ये वही ओनर है। बोलिए, आपको बोलना होगा, बोलिए, बताइए। टेररिस्ट के रहने के लिए जगह दी थी क्या आपने? हाँ दी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या और क्या कहूँ मैं, वो लोग टेररिस्ट का बोर्ड लगाकर सीने में घूम रहे थे क्या? सबकी तरह आए, एड्रेस प्रूफ दिखाया और रहने लगे। मतलब आपका और उसका कोई संबंध नहीं है? उन सबको ट्रेनिंग देकर मैंने ही भेजा है। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? देखिए अच्छी तरह से देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक कैसी बातें कर रहा है। बताइए बताइए, इसकी इस हरकत के लिए क्या सलूक करना चाहिए इसके साथ? बताइए बताइए, आप लोग चुप क्यों हैं? आप सभी लोग बोलेंगे तो ही अरे कुछ क्या बताएंगे? अगर मैं दो मिनट चुप रहा तो तुम इन सब को मैं उनका लीडर हूँ ये बता दोगे? देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है। अगर मैं जानता कि वो टेररिस्ट हैं तो मैं अपना कमरा उन्हें नहीं देता। हाँ छोटू, तुम यूज मी लॉज में काम करते हो क्या? मुझसे मत पूछिए, मैं किसी को नहीं जानता। तुम्हारे घर में और कौन कौन है छोटू? डरो मत छोटू, बताओ ना। मैं, बहन और माँ बाप। कल तक तो मेरे साथ भी सब थे, मॉम डैड दीदी सब लोग, लेकिन तीन दिन पहले सडनली सब छोड़कर चले गए। मुझे ऐसे मत देखो छोटू, मैं जानता हूं तुमने उन्हें देखा है, लेकिन तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। पर मैं उन्हें नहीं जानता, ना ही मैंने उन्हें देखा है जिन्होंने मेरा परिवार मुझसे छीन लिया। तुम बहुत लकी हो छोटू, अपने परिवार का ख्याल रखना। भाई। हाँ छोटू। भाई न्यूज में जैसे बताया कि 6 लोग थे, लेकिन वो 2 लोग थे। दिन में वो बाहर नहीं आते थे और रात में बाहर जाते थे वो, मगर उनसे मिलने 2 लोग आते थे। कौन है वो, नाम क्या उनका? एक का नाम पप्पू था और दूसरे का नहीं पता। वो दिखते कैसे हैं? दिखने में ऐसे कुछ खास नहीं थे, हम जैसे ही लोग थे वो। आपकी उम्र के थे। वो लोग कहाँ से आते जानते हो? अब कहाँ जाएंगे? और कहाँ, अपनी जगह बंजारा हिल पे जाएंगे। चलो बंजारा हिल्स। थैंक्स छोटू। भाई मैंने जो आपको बताया वो किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगा। ओके भाई, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ठीक है। टोटल 4 लोग, उसमें से 2 यहाँ के लोकल हैं और 2 बाहर के। उसमें से एक का नाम है पप्पू और मुझे ढूंढना है इस पप्पू को। कहाँ मिलेगा ये पप्पू? पप्पू कहाँ मिलेगा? पप्पू कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देश में कहीं भी कोई भी दंगे होते हैं तो उसका संबंध हैदराबाद से होता है। एक जमाने में आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, तो अब क्या हैदराबाद भी एक और आजमगढ़ बनने वाला है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन मुजाहिदीन संगठन के सारे लोग आजमगढ़ के ही हैं। इंडियन मुजाहिदीन, इसके बारे में नेट पर सर्च करना पड़ेगा। इंडियन मुजाहिदीन मेंबर्स अब्दुल कुरैशी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम मुंबई, अबू बशीर उत्तर प्रदेश,
अब्दुल रज़ाक मंसूरी, एज 27, एम्ब्रॉयडरी यूनिट ओनर, पंकज हैदराबाद से, साउथ। पंकज, एक चोर के बारे में तो सिर्फ एक चोर ही बता सकता है, पप्पू। अगर पप्पू मिल गया तो फिर पंकज के बारे में भी पता चल जाएगा, या फिर पंकज को पकड़े तो वो मुझे इन सब के बारे में बता सकता है। मुझे किसी भी तरह पंकज को ढूंढना होगा और फिर मैं पंकज के सहारे पप्पू को आसानी से ढूंढ लूंगा। सो पंकज, एक प्लेट पूरी दो। ले रहा हूँ भैया। ए, हाँ बोला भाई। अबे ये क्या है बे? ये चाय है? क्या हुआ साहब? पंकज ने बोला था यहाँ की चाय अच्छी होती है, तो यहाँ चाय पीने आ गया, लेकिन पीने के बाद लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये पंकज कौन है? ए सर, मैंने ऑर्डर कब दिया था? आधा घंटा पहले। पंकज के फ्रेंड को ऐसी सर्विस देगा तू? आज के बाद से अच्छी सर्विस देना मुझे। जी जानता है मैं कौन हूँ? पंकज का फ्रेंड हूँ, पंकज का फ्रेंड हूँ मैं। ये पंकज कौन है सर? दिखता नहीं क्या भाई? देख के जाना। क्यों? तू दिखाएगा क्या? साले बहुत बढ़ रहा है तू है? पंकज का दोस्त हूँ मैं, मुझसे पंगा लेगा? पंकज के दोस्त से पंगा? किसी पंकज को नहीं जानते, निकल यहाँ से। आप पंकज के दोस्त हो? हाँ वो मेरा दोस्त है। ठीक है जाइए आप। ए, चल निकलते यहाँ से। कौन है भाई? आप क्या हुआ भाई? अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? अरे बोलो ना क्या हुआ भाई? हेलो, कहाँ चले गए हो तुम? दो दिन से घर में ताला लगा हुआ है। वो लोग मिले तो उन्हें जान से मार दूंगा, उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। अरे ये क्या, तुम अचानक यहाँ कैसे? मेरी बात छोड़ो, तुम्हारा दिमाग तो सही है? रात को शमशान घाट में घूमते रहते हो, तुम्हें बुरे सपने भी आते हैं क्या? तुम्हारी तबीयत कैसी है देखूं तो? ठीक है तबीयत तो ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होगा, तुम्हें कुछ हुआ है? चलो चले। कहाँ चलना है? हे भगवान, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तक मैंने इसे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। ये आधी रात को भूत की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। पंडित जी, सिंदूर बहुत थोड़ा दिया, थोड़ा और दीजिए ना। किस लिए? बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे इस दोस्त को कुछ कम नहीं चलता, सब कुछ उसे ज्यादा चाहिए होता है, वरना ये दुखी हो जाता है, इसलिए। ये लो भगवान का ताबीज है, इसे पहना दो। बस एक, कम से कम 10 तो दीजिए। नहीं बेटी, एक पहना दो काफी है। अरे पंडित जी, इसे देखिए तो सही, ये कुछ बोले तो मन को शांति मिलेगी, समझ में आएगा परेशानी क्या है, तभी मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ ना। समझने की कोशिश कीजिए। क्या पागलपन लगा रखा है, अब चलो यहाँ से।
देखा आपने, लड़की से कैसे बात करते हैं ये भी नहीं पता। अब आप ही इसे समझाइए। ये अच्छी बात नहीं है, प्यार से बात किया करो। ओ, ऐसा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही रहूंगा। ये हुई ना बात। पंडित जी, 100 रुपए मिल रहा बेटी, सब सहना पड़ेगा। अब चलो। ए, कौन हो तुम? मुझे किडनैप क्यों किया? क्या चाहिए तुझे बता, कौन हो तू? तेरी तो, वो पंकज कौन है मैं नहीं जानता, और मैं उसका फ्रेंड भी नहीं हूँ। कौन है तू, चाहता क्या? चुप कर, बोलता है। अरे तू चाहता क्या है बताना मुझे। अब सुन, पंकज की तरह ही द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट में पप्पू भी शामिल था, और मुझे वो पप्पू चाहिए। तुम पंकज के बारे में जानते हो तो फिर तुम्हें पप्पू के बारे में भी पता होगा, इसलिए चुपचाप ये बताओ कि पप्पू कहाँ है, वरना अपने पप्पू से हाथ धो बैठेगा। चल बता, पप्पू कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो कहाँ मिलेगा? मैं नहीं बता सकता। बता। मैं नहीं जानता भाई। दोनों में से क्या पसंद करेगा? मैं कुछ नहीं जानता भाई। चूज कर। सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मुझे? सच बोल रहा हूँ भाई। बोल किसे मारूं? भाई। सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। सच बोल रहा है ना? सच में बोल रहा हूँ भाई। बोल कहाँ है पप्पू? मुझे नहीं मालूम भाई। जैसे लोग राम नाम जपते हैं वैसे मैं 3 दिन से पंकज का नाम जप रहा हूँ, तब जाके तू मिला। अब तू बोल रहा है कि तू जानता नहीं उसे, मेरे इतने दिन की मेहनत तो वेस्ट हो गई ना। तेरे पास फोन है ना? स्मार्टफोन है भैया। परसों जो लड़के लोगों को मारा ना भाई, व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया है। मुझे क्या ये? ए, ये तो अपना रियाज है। क्या हो गया इसको? किसने भेजा इसे? अरे ये उसी के नंबर से आया है। हे, तुम्हें कोई वीडियो मिला है क्या? यही है ना वो? कल तूने किया था झगड़ा, जब से झगड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? ए, मुझे भी आया है यार। ये तो सिर्फ हमारे पास है, तुम्हें कैसे मिला? क्या बताऊँ यार, मैं पंकज का फ्रेंड हूँ, वो भी पंकज का फ्रेंड है, तो उसने मुझे भी भेज दिया होगा। हाँ, एक बात बताओ, उस वीडियो के साथ कोई मैसेज भी आया था क्या? नहीं भैया, मेरे पास तो आया था। कौन सा मैसेज? देखो, पत्थरघट्टी पप्पू को ले आओ और अपने दोस्त को छुड़ा के ले जाओ। ये पत्थरघट्टी कौन है रे? अरे यार कोई भी हो, हमें उससे क्या, उसने हमारे फ्रेंड को किडनैप किया है, क्या हम लोग चुप रहेंगे? दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही उसूल है, हमारे फ्रेंड्स हमारी जान है और हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, सिर्फ बोलना नहीं है कुछ करना भी है। और आज हमें मौका मिला है दोस्तों कि हम दिखा दें कि हमारे फ्रेंडशिप का पावर क्या है। दोस्तों, हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के खातिर कर रहे हैं। जान दे देंगे लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे, क्या कहते हो? हाँ, नहीं छोड़ेंगे। एक साथ बोलो। हाँ, हाँ, जान दे देंगे, अपने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसे हमारे जान की जरूरत नहीं है, उसे तो पत्थरघट्टी पप्पू चाहिए। ये पत्थरघट्टी पप्पू कौन है, कहाँ मिलेगा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये पत्थरघट्टी पप्पू तो पत्थरघट्टी एरिया में ही मिलेगा ना। उस पत्थरघट्टी में जितने भी पप्पू होंगे, छोटे से लेकर बड़ा तक, बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक, हमें सबके डेटा कलेक्ट करने होंगे। हमें तो उस आदमी को सिर्फ पप्पू को देना है और हमारा फ्रेंड वापस मिल जाएगा, क्या कहते हो? दोस्तों, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त की खातिर कर रहे हैं। जान दे देंगे, दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। जान दे देंगे, दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। जोर से बोलो, जान दे देंगे, दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। अब सब निकलते हैं, डेटा कलेक्ट करके शाम को यहीं मिलेंगे। चलो चलो। भाई पूरा डेटा कलेक्ट किया है, ये रही लिस्ट। टोटल कितने हैं? 88 के लगभग। अब उसमें से वो पत्थर कट्टी पप्पू कौन है? आपकी उम्र कितने? हाँ, इसमें से 20 और 30 के बीच में कितने लोग हैं? 6 मेंबर्स। उनके डिटेल्स बताओ। पप्पू असली नाम दुलकर, कपड़े की दुकान पे काम करता है। पप्पू असली नाम सलमान, बीटेक करके खाली बैठा है। पप्पू असली नाम जुनैब, दूध बेचता है। पप्पू असली नाम फैजल, फूल बेचता है। पप्पू असली नाम जनीब, बाइक मैकेनिक। पप्पू असली नाम असगर, मोबाइल रिपेयरर। कपड़ा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, दूध बेचने वाला और बीटेक करके बेरोजगार, मोबाइल रिपेयरिंग, बाइक मैकेनिक। कपड़ा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, इन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इन्हें हटा देते हैं। बीटेक वाला बेरोजगार, दूध बेचने वाला बॉम्ब फिट करने के लायक नहीं है, बाइक मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग। बॉम्ब तो बाइक में नहीं लगाया लेकिन बॉम्ब ऑपरेट कैसे किया? आरोपी ने ये बॉम्ब ब्लास्ट मोबाइल के जरिए ऑपरेट किया था। यस, मोबाइल शॉप का एड्रेस दो। ये देखो भाई, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। पप्पू, तू तो फंस गया, तुम लोग निकलो, मैं फ्रेंड को लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, चलते।
मुझे पप्पू का एड्रेस मिल गया तुम्हारी वजह से। एक्चुअली मैं तुझे मारने वाला था, लेकिन तेरे फ्रेंड्स ने बहुत मेहनत किया तेरे लिए, तो शायद तू अच्छा इंसान होगा। ऐसे क्यों? कोई ढंग का काम करो। और हाँ एक और बात, हम दोनों मिले ये बात किसी को मत बताना। अब चुपचाप यहाँ से निकल ले। ठीक है भाई। चल। कहाँ रह गया ये? कब आएगा? जल्दी आना। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया था? ये तो सितम ढा रही है। मेरे दिल की घंटी टिंग टिंग कर रही है। उफ, ये कमर मुझे बेहोश करने का इरादा है यार, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ये क्या हो रहा है मेरे दिल में? कुछ तो करना पड़ेगा। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कौन है? जाके ढंग के कपड़े पहन कर आओ। ये क्या पहन के घूम रही हो? क्यों, मैंने अच्छी साड़ी नहीं पहनी है? साड़ी तो बहुत अच्छी है। हुँ? पर मुझसे कहीं कोई गलती हो गई तो? गलती करने से पहले पता है तुम्हें? क्या पता है? तुम पहले से काफी चेंज हो गए हो। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम अब मेरी नजर से नजर मिलाकर नहीं देख सकते। सच कहा ना? नजर से नजर डालूं तो क्या हो जाएगा, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? हम लड़कियों की नजरें तुम लड़कों से तेज होती हैं। तुम लड़के तो हमारे सामने हार ही जाते हो। नजरें मिलानी है, पर उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे मत बोलना। हाँ? क्या करोगे? मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी, तुम्हें जो करना है करो। प्लीज मुझसे नजरें मत मिलाओ, तुम्हें पता नहीं मुझे क्या होता है। बताओ क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। कौन है रे तू? पप्पू कहाँ है? इधर पप्पू। पप्पू कोई नहीं, चल निकल। पप्पू से मिलने आया हूँ। अरे बोला ना, निकल चल। पप्पू कहाँ है? चल फोर। अरे वाह, यहाँ तो बहुत से लोग आ गए, इनमें से पप्पू कौन है बोलना? तुम में से पप्पू कौन है? नहीं बताया तो? बताया, हम नहीं बताएंगे। ये बता पप्पू कौन है? मैं सिर्फ उसी को ले जाऊंगा, वरना सबका यही है। बता दो जिंदा रहोगे, वरना सारे के सारे मारे जाओगे। अबे सिर्फ चार लोग बचे हो, बता दो कौन है? यार तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती, चुपचाप ये बता दो कि पप्पू कौन है और अपनी जान बचा लो ना। ना।
अब तुम दोनों बचे हो, बता दो दोनों में पप्पू कौन है। वो है भाई, भाई। वही है। अबे ये कैसे हो सकता है, ये होता तो तुम लोग पहले ही बता देते, ये तो नहीं है। ये बताओ तुम दोनों में से कौन है। ये भाई। नहीं भाई ये है। नहीं नहीं भाई यही है, यही क्या भाई। क्वेश्चन पेपर ला दिया। आईफोन का प्राइस क्या है? 50,000 है भाई। पप्पू तुम्हारा मोबाइल शॉप है ना, कितना भागेगा भाई। नाइस टू मीट यू पप्पू। चल पप्पू तो मुझे मिल गया, तू निकल ले। ठीक है। अबे कहाँ जा रहा है, ऊपर बोला। देख क्यूट फैमिली है ना, देख तूने क्या किया। वीडियो देख ले, बहुत खूबसूरत है ना ये। इसके मन में न जाने कितने सपने होंगे अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, पता है इसके साथ क्या हुआ, देख ले। अरे बहुत से लोग हैं रे, कितने को गिनेगा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मासूम हैं। इन लोगों की गलती क्या थी, इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। अगर सड़क पर कचरा पड़ा हो तो हम उसकी बदबू तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वहां क्या हुआ, एक साथ 100-100 लोग जल रहे थे। तुझे वहां की बदबू का अंदाजा है, लोगों के दर्द और चीखों का अंदाजा है तुझे। एक का पैर कट गया था, किसी ने अपना पति खो दिया, एक मां ने बेटा खो दिया, किसी ने अपनी बीवी खो दी। अरे तू क्या समझेगा, क्योंकि वहां तेरे माँ बाप बहन बेटी नहीं जल रहे थे। एक माँ अपने बेटे को पहचान नहीं पाई जब तक कि उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, इतना जल गया था वो। अब चल चुपचाप बता, वो यूज मी लॉज में जो भी लोग हैं वो कहाँ रहेंगे और उनके नाम क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। चल बता, जो पूछ रहा हूँ साफ साफ बता दे, वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे। मैं एक पुलिस की तरह तुझे स्टेप बाय स्टेप टॉर्चर करके नहीं मारूंगा, वो तरीका नहीं पता है मुझे। गुस्से से जलता हुआ आम इंसान हूं मैं, इसलिए मैं तुझे मारूंगा या तुझे चीरूंगा मुझे खुद नहीं पता, इसलिए ईमानदारी से सब कुछ बोल दे, बोल दे, बोल दे। तुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है प्रैक्टिकल में बताता हूं। ये देख, इसे कहते हैं डंबल, देख ले, इसे मारा तो तेरे सारे दांत टूट जाएंगे, दिखेगा दिखेगा नहीं, ये देख, नहीं नहीं नहीं। सॉरी दोस्त, दांतों के साथ खून भी निकला है। अब बारी है तेरी आंखों की, अब जरा सोच, तेरी आंखों में अगर गरम तेल डाल दिया जाए तो तुझे कैसा लगेगा, दिखाओ तुझे, दिखाओ, देखा तुझे, रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे भी दिखा, अभी आता हूं बताता हूं तेल लेके, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ बताता हूं, बता 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 जल्दी बता, चल बता बोल। उस दिन हम लोग मिले थे 761 762 में। बस इतना ही मैं जानता हूं। हेलो बेटा, सो रहे हो क्या? अरे कौन है, सुबह सुबह फोन करके परेशान मत कर, वरना फोन में। बेटा मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी अंकल। हाँ अंकल बोलिए। कुछ नहीं बेटा, तुम एक बार घर तो आओ, बेटी की शादी की बात करनी थी। ठीक है अंकल, मैं बस अभी आता हूँ, लगता है आपको शादी की बहुत जल्दी है। अगर सब सही रहा तो ऐसा ही करेंगे बेटा, तुम पहले आओ तो सही। ओके अंकल मैं आ रहा हूँ। क्या बात है, इसे तो मुझसे ज्यादा जल्दी अपनी शादी की, इतनी जल्दी अपने पापा को भी बता दिया। हाय अंकल। हाँ बेटा कैसे हो? अच्छा बैठो। क्या बात है, कपड़े वपड़े मस्त पहन कर निकले हो, कोई खास बात है क्या है? वो आपसे शादी की बात करनी थी ना। गुड। तो फिर बताइए क्या बात है? बात करेंगे बेटा, पक्का बात करेंगे, पहले कॉफी तो पी लो। अंकल तो बिल्कुल फॉर्म में है। कॉफी लेकर आओ। हाँ पंडित जी, लड़का आ गया है पंडित जी, आप 11 बजे तक आ जाए तो अच्छा रहेगा पंडित जी। हाँ ठीक है। इन्होंने तो पंडित को भी बुला लिया, बाप तो बेटी से भी ज्यादा फास्ट निकला, पर इनकी बेटी है कहाँ?
क्यों बेटी, कॉफी तुमने बनाई है? जी पिताजी। ये बेटा कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी अंकल। वो क्या है बेटा कि आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पता चल रहा है अंकल। घर में काम बहुत है, सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अरे बाप रे, कोई हेल्प हो तो मुझे बताइए। तुम तो हेल्पिंग नेचर के हो ही बेटा। अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हारे जैसा ही होता। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ अंकल, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत कह दिया मैंने? आपने बेटा बोल दिया। मतलब शादी की बात करें ना आपको? हाँ तो इस रिश्ते से आगे बात करना अच्छा नहीं लगता। लड़का कोयम्बटूर से आ रहा है, सब अच्छा लगेगा। तो आपने मुझे शादी की बात करने के लिए नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं। क्या? काम करने के लिए। ये आइडिया तुम्हारा था? मैंने ही कहा था बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। आप रिश्ते मत बनाइए, सुना नहीं जाता। काम क्या करवाना है बताइए, कर दूंगा। बहुत छोटा सा काम है, मार्केट में जाकर के फूल लाना है और मिठाई की दुकान से मिठाइयां लानी है और लौटते समय रास्ते में दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें। समझ गया। अरे पैसे तो ले लो बेटा। पिताजी, उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो ले आएगा। तुझे तो मैं देख लूंगा। आ बेटा यहाँ रख दो। नौकर समझ रखा है क्या? बैठो बेटी, लड़की को तो देखो। अंकल ये कौन है? सामने वाले घर में रहता है। ओह, मेरे बेटे की तरह ही। अंकल आप रिश्ता मत जोड़िए, गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं आपको इतने दिन से अंकल अंकल कहते आ रहा हूँ ना। हाँ। मुझे ससुर बोलना है आपको। हाँ? हाँ? मुझसे नहीं होगा अंकल। हाँ? नहीं, नहीं, अंकल कहने से प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझसे अब नहीं होता ससुर जी। हाँ? हाँ? अब नाटक नहीं होता, मुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? आपसे नहीं, आपकी बेटी से। रानी आई लव यू। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या कर रहे हो बेटा? रुकिए ससुर जी। देखो रानी, अब तक हर रोज रात में तुम्हारा ही नाम सोचकर सोता हूँ। अरे सोचने से क्या फायदा? फायदा उसे पता है ससुर जी। देखो रानी, मैं फिर से कहता हूँ, I love you। तुम्हें इससे करनी है, इस छछुंदर से शादी करनी है। पापा क्या है ये सब? अरे क्या बोल रहे हो तुम? चलता हूँ ससुर जी। देखिए आप बुरा मत मानिए। द्वारका नगर ब्लास्ट में जुड़े पप्पू नाम के व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने मार के उसे पार्क में फेंक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। भावेश, अभी वहाँ के हालात क्या है? अभी यहाँ लाश पे एक चिट्ठी पाई गई है जिसमें लिखा हुआ है 761-762, जो बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, और इसमें ये भी लिखा है कि मैं इससे जुड़े हुए सभी गुनाहगारों को मार डालूंगा। देखा सर? कौन है वो? पता नहीं। कहाँ रहता? मुझे नहीं मालूम। तो क्या मालूम? वो चाहे जो भी हो, वो कल का सूरज नहीं देखेगा। वो सामने उस घर में रहता है। हाय गाइस, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो ना? वो मेरा ही घर है। 10 बज चुके हैं, कॉलोनी में सब आराम से सो रहे हैं। यहाँ पीछे ग्राउंड है, वहां चल के आराम से बात करते हैं। लोग तो बड़े फास्ट हो यार, बहुत जल्दी पहुंच गए यहां पर। भाई बोल। मिल गया वो। फोन उसे दे। ले भाई से बात कर। भाई मतलब? नाम क्या है, काम क्या है? नाम काम से क्या लेना, भाई से बात कर। नहीं करूंगा, बोल दे उसे मुझे उससे बात नहीं करनी। भाई लाउड स्पीकर ऑन कर। क्या रे, मैं कौन हूं नहीं बताएगा तो मुझसे बात नहीं करेगा? नहीं बात करूंगा। तो फिर सुन, द्वारका नगर में दिवाली मनाने वाला मैं ही हूं। इतने दिन से मैं तुझसे ही बात करने का इंतजार कर रहा था। तूने इन टट्टुओं को क्या कह के भेजा मुझे नहीं पता, पर ये मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। 10 मिनट के बाद फोन कर, तब तक
मैं इन्हें सुला देता। मुझसे बात कर। बोला ना, 10 मिनट बाद जी भर के कर लेना। अरे शाबाश, टाइमिंग तो तेरी बहुत अच्छी है। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मुझे तू चाहिए, तुझे जान से मारना है। मुझे मारोगे? मैं कौन हूँ जानते हो? नहीं जानता। कहाँ रहता हूँ जानते हो? नहीं जानता। कैसा दिखता हूँ जानते हो? नहीं जानता। तो बिना पहचान के मुझ तक कैसे पहुँचोगे? मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू आएगा मेरे पास भाग के। मेरी बात लिख के ले ले, मैं ऐसा काम करूंगा कि तू दौड़ते भागते मेरे पास आएगा। मुझे जानते नहीं और अपने पास बुला लोगे? जानता हूँ, तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तू द्वारका नगर ब्लास्ट के लिए 2 साल से प्लान कर रहा था। तू राजस्थान बॉर्डर पार करके यहाँ पर आया है और तुझे यहाँ रिसीव करने वाला कुरेशी है। तू यहाँ से मुंबई गया था, मुंबई में तुझे पनाह देने वाला फैजल है। 1 हफ्ते पहले तू हैदराबाद आया था, तुझे यहाँ फेक सिम कार्ड, फेक पासपोर्ट देने वाला और तुझे यहाँ पनाह देने वाला असगर है। इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे बॉम्ब सप्लाई सैयद ने किया था, अमोनियम लाने वाला अकबर है। इस तरह तुझे जाने अनजाने हेल्प करने वाले टोटल 13 लोग थे और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और रही तेरी बात, तो जिस दिन तू मेरी आंखों के सामने आएगा उसी दिन तेरी स्पेशल दिवाली होगी। तुझे ऐसे जलाऊंगा कि तेरी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं दिखेगा। जितनी दूर तू मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है कर ले, लेकिन तू मरेगा तो मेरे हाथों मरेगा तू। सेवन सिक्स वन, सेवन सिक्स टू क्या है? क्या हो सकता है? लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब सारी दुनिया में लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर है। व्हाट अबाउट 6? मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, मतलब 6 नंबर पर है हैदराबाद। 7 इंडिया, 6 हैदराबाद, तो फिर ये 1 और 2 क्या है? मे बी ये पर्सन होंगे और उनमें से 761 मतलब मेन पर्सन होगा, 762 मतलब उसका असिस्टेंट होगा। इन्हें भी पकड़ना होगा, लेकिन कैसे? तुमने उसे इतना भड़काया क्यों? वो जो कोई भी है उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। वो सिर्फ हुआ है वही जानता है, लेकिन जो होने वाला है वो नहीं जानता। एक और बात, हम यहीं हैदराबाद में, उसे यही पता है। हम उसके पास कैसे जाएंगे वो यही सोचता होगा। उसे ऐसे ही सोचने दो, तब तक हम अपना काम पूरा कर देंगे। क्या हो गया तुम्हें? तुम रात को मेरा फोन कट करती हो और सुबह होते पूछती हो कि आप कौन बोल रहे हैं। तुम जैसे लोगों से बचना भी तो पड़ता है, तुम्हारे सामने से तो नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भेजे में कुछ कचरा घुस गया, जरा देखने दो। ए रानी, अरे क्या हुआ यार? परसों रात को पब में तुमने क्या किया? ओह, तो तुमने देख लिया। वैसे इतनी रात को तुम बाहर कर क्या रही थी? चुपचाप चद्दर तान के सो जाती तो मैं तुम्हारे सपने में आ जाता। कहां? सपने में आएगा और कहां आऊंगा।
के आया हूँ मैं। अरे अरे ये ऑफिस है। हाँ तो सब देख रहे हैं। छोड़ो ना, मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्या हुआ, तुम इस तरह आवाज क्यों निकाल रही हो? क्या चाहिए तुम्हें बोलो। जो चाहिए वो मिलेगा क्या? हो सकेगा तो दे दूंगी, नहीं हो सका तो भी देना पड़ेगा। फोन किया तो कट करोगी? नहीं करूंगी। मुझे नहीं पहचानने की गलती करोगी? नहीं करूंगी। मुझसे शादी करोगी? नहीं करूंगी। करूंगी करूंगी। ठीक है तो जाओ। ये रहा उसका घर, अगर हम 10 मिनट रुके तो उसे देख सकते हैं। उसके ऑफिस से आने का समय हो गया है। जरूरत नहीं है, चलो। ये 761 और 762 दोनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा, पर ये दोनों होंगे कहाँ? क्या बात है, परेशान लग रहे? क्लाइंट हेड ने फोन किया था। ये तो अच्छी बात है ना। दिमाग खराब करके रखा है। दिमाग खराब कर दिया? और नहीं तो क्या। क्या दिमाग खराब कर दिया? और नहीं तो क्या, मैंने उसका काम नहीं किया। टीएल मैनेजर ने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताया होगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिपार्टमेंट हेड को बताया होगा, और डिपार्टमेंट हेड ने क्लाइंट हेड को बताया होगा, और फिर उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरी डेली रिपोर्ट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट यूएसए क्लाइंट हेड को दे देनी चाहिए। क्या कहा? अपने डेली की रिपोर्ट ऊपर वाले को पहुंचा देनी चाहिए, यही बोला। मतलब हम यहाँ पर काम करते हैं और हमसे काम कराने वाला क्लाइंट हेड कहीं और रहता है, पर हम जो भी करते हैं उसे पता चल जाता है। फिर तो 761 और 762 से काम कराने वाला वो क्लाइंट हेड कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा, वहीं से कंट्रोल करता होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं और कहां पे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उसे होगी। तो अगर क्लाइंट हेड को पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चल जाएगा। लेकिन जब यही नहीं मिल रहे हैं तो वो कैसे मिलेंगे, कैसे? इनका बॉस कहाँ होगा, कौन होगा, इन्हें कैसे पकड़े और इनके बॉस को कैसे पकड़े, इन सबको बाहर कैसे निकाला जाए? एक आइडिया है, यस। अब तक हमने छोटे छोटे काम किए हैं, पर अब एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा। इतना बड़ा धमाका कि वर्ल्ड वॉर की तरह हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। इसके लिए बराबर 10 मिनट पहले सारे काम होने चाहिए। क्या कहा उसने? वो मैं बाद में बताऊंगा। इस काम के लिए मुझे आदमी चाहिए। 200 लोग दे दूं? मुझे 300 लोग चाहिए। 300 लोग क्यों? वो जो भी है हमारी इंक्वायरी अच्छे से कर रहा है, इसलिए हमारे आदमी हम नहीं यूज करेंगे। मैंने न्यूज़पेपर में बंगारू बस्ती के गुंडों के बारे में पढ़ा था। ओ, तुम हिंदी पढ़ने में एक्सपर्ट हो। इंग्लिश पेपर। ओ, बंगारू बस्ती के गुंडों के बारे में था। सच में वो बहुत ही अच्छे लड़के हैं, सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए। क्यों, किस लिए, ये सब सवाल नहीं करेंगे वो। सुनिए सुनिए, कहाँ है, सुनिए ना। हाँ बोलो। सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है, आप हैं कहाँ? मल मूत्र विसर्जन में हूँ। कहाँ? बाथरूम में हूँ यार। आओ। बोलो क्यों आई हो? तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? देखो टेबल पर ही होगा। तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? बुक्स के पास। और सुनो, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड क्या है? क्यों पूछ रही हो? बताओ ना यार। 2526। 2526। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, कल टीवी में रिंग का एड देखा था, बहुत अच्छी लगी, अपनी शादी में वही पहनूंगी मैं। क्या मतलब है, गोल्ड रिंग? नहीं बाबा, डायमंड रिंग है। क्या डायमंड रिंग? हाँ। वो कितनी महंगी है? अच्छी ची ची ची। ये सब छोड़ो यार, ये बताओ वो कितने की है? सिर्फ 2 लाख। 2 लाख की है? क्रेडिट कार्ड मेरे पास कब से, लेकिन मैंने आज तक कभी 10,000 भी खर्च नहीं किया, और तुमने एक ही दिन में 2 लाख खर्च कर दिए। रिंग बहुत अच्छी है। अच्छा? यार तो खुद अपने पैसों से खरीद लेती ना, खामखा मुझे चूना लगा दिया। तुमने तो कल मुझे हक कर लिया ना। तो उस हक के 2 लाख रुपए फिर किस किया तो लुट जाऊंगा। शांत हो जाओ, क्या इतने छोटे से अमाउंट के लिए तुम फिक्र कर रहे हो? ये छोटी सी अमाउंट है तो मेरे पास क्यों आई? नाश्ते के लिए बुलाने आई। नाश्ते के नाम पर 2 लाख रुपए खर्च करा दिए, कल लंच पे बुलाने आओगी? फिर तो मैं ही बिक जाऊंगा। बाप रे, कमाल की लड़की हो तुम, कभी लंच और डिनर के लिए मत बुलाना। अब जाओ। तीन सौ लोग चाहिए? हाँ। इतने सारे लोग चाहिए मतलब काम बहुत बड़ा है क्या? काम बड़ा ही होगा भाई। कब चाहिए? मैं बताऊंगा, तुम लोग तैयार रहना।
गुड मॉर्निंग मैडम, ऑर्डर प्लीज। बस दो मिनट दे दो। ओके श्योर। हे, तुम्हारा पेट है कुआं? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अभी तो नाश्ता करके आई हो और फिर दो मिनट के बाद तुम्हें फिर से ऑर्डर देना है? तुम्हें भूख लगी है क्या? अरे ऑर्डर नहीं देंगे तो बैठेंगे कैसे? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? थोड़ी देर आराम से बात करने के लिए। बात करने के लिए, वो भी शांति से। शाम को मिल रही हो ना? कब मिलूंगी? अरे भाई साहब, आप कैफे में बैठे हैं, गार्डन में नहीं आए? सुनो ना सोना मोना, मैंने जो डायमंड रिंग देखी है ना, बहुत सुंदर है, लेकर दोगे ना? चेयर वहाँ रखी हुई है, विराजमान हो जाइए। ए, ये क्या कर रहे हो? ये क्या चल रहा है इन सबका? दिन भर आपस में चिपके रहते हैं और रात भर जगराता करते हैं। उनके बारे में तुम चिंता मत करो, जाने दो उन्हें, तुम मेरी बात करो ना। क्या बात करनी है? ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों पसंद किया? तुम्हें पसंद करने के पीछे तीन वजह हैं। जरा बताना तो। पहली वजह, तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि आजकल की लड़कियां सुबह उठती नहीं है, उठती हैं तो मोबाइल की शक्ल देखती हैं और फिर से सो जाती हैं, पर तुम वैसी नहीं हो, तुम रंगोली बनाती हो। ओह, दूसरी वजह? तुम्हारी इनोसेंस और इंटेलिजेंस, तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन फिर भी तुम्हें घमंड नहीं। कल को गलती से अगर मैंने हाथ भी उठा दिया तो तुम मुझसे लड़ोगी नहीं, मुझ पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि अपनी आंखों में आंसू भरकर मेरे गले लगकर कहोगी मुझे क्यों मारा तुमने, और उसके बाद सारा गुस्सा थोप दोगी। तो तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाना चाहते हो क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखना चाहूँ। और तीसरी वजह? आजकल की लड़कियाँ बड़ी शकीरा टाइप की हो गई हैं, लेकिन तुम सावित्री टाइप की हो, तुम मॉडर्न भी हो और ट्रेडिशनल भी। ऐसा कुछ नहीं है, सब लड़कियाँ मेरे जैसी होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तुम्हारे जैसी नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। तो क्या मैं ये बात प्रूव करके दिखा दूँ? हाँ। एक काम करते हैं, आज वीकेंड है तो मैं तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को एक एक करके फोन लगाऊंगा और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि फर्क क्या है। ओके। सबसे पहला फोन किसे करूँ? सुकन्या को कॉल करूँ? नहीं, उसके घर पर फोन करो। हेलो। नमस्ते अंकल, मैं सुकन्या की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटी। अंकल सुकन्या है? वो ऑफिस की किसी मीटिंग के लिए बैंगलोर गई हुई है बेटी। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ओके बेटी। देख लिया, वीकेंड पे भी काम कर रही है और तुम उसे शकीरा वकीरा बोल रहे थे। अब उसे फोन करो। हाय रानी, क्या बात है, संडे को फोन किया? कहाँ हो तुम? मैं मुन्नार में हूँ। वहाँ क्या कर रही हो? बॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग पे आई हूँ। ओके ओके, मैं रखती हूँ, बाय। तो अब समझ में आ गया? अब दूसरी फ्रेंड की बारी। कॉल करूँ? नहीं, घर चलते हैं। हाय। हाय। क्या बात है? मम्मी डैडी घर पर नहीं है और ऑफिस का काम पेंडिंग है, इसीलिए मैं यहाँ आई। अरे बाप रे, मैं तुझे कंपनी देती हूँ। नहीं नहीं, कंपनी देने की जरूरत नहीं है, कंपनी देने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड है अंदर। बाय। तो उसने तुम्हें अंदर नहीं बुलाया? इसके पेरेंट्स बाहर गए हैं तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया है। तो अब समझ में आया तुम में और हमने क्या फर्क है? बहुत अच्छी तरह। तो अब चले। चलो। तुमने जितना कहा था उतना रेडी है, अब आगे का प्लान क्या है बताओ। यह हैदराबाद है, एरिया 650 स्क्वायर किलोमीटर, लंबाई 158 किलोमीटर, चौड़ाई 47 किलोमीटर, ऊंचाई 536 मीटर्स, पूरी आबादी 1,17,23,548, सारे घर 8,49,051, टोटल व्हीकल्स 34 लैक्स, टोटल वजन 2,85,50,575 टन्स। इतने वजनदार हैदराबाद को हमें डराना है। वो कैसे? 60 किलो वजन के इंसान को एक छोटी सी गन डरा देती है। हम हैदराबाद को नहीं डरा सकते? कैसे? हैदराबाद में जेडी मेट से लेकर फलकनामा तक, हाईटेक सिटी से लेकर मौला अली तक, छोटे बड़े मिलाकर पूरे 60 मेन एरियाज हैं। हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन है और हर पुलिस स्टेशन का एक CI है। रात को 9 बजते ही सारे CI अपने घर चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद कॉन्स्टेबल। सर मैं हूँ हवलदार मनोज। सर मैं हूँ हवलदार कुमार। उसके बाद हमारे 4-4 आदमी हर एक CI के घर पर जाएंगे। वहां हमारे आदमी बेल बजाएंगे।
तब वो सीआई बाहर आएंगे। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हमारे आदमी उन्हें चिट्ठी देंगे। सीआई चिट्ठी पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते वो अचानक रुक जाएंगे। ये तो हमारा एड्रेस है, तुम्हें क्या चाहिए? कंफर्मेशन के लिए। क्या? 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 क्या बात कर रहे हो? और तब हमारे आदमी जनरली एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। एक सेकंड पर एक आदमी यानी 60 सेकंड में 60 आदमी यानी एक मिनट में 60 के 60 सारे सीआईएस किडनैप हो जाएंगे। उसके बाद सारे सीआईएस के किडनैपिंग की खबर मीडिया में दे देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, सिटी के सीआई किडनैप हो गए हैं। किडनैप किसने और क्यों किया किसी को कुछ नहीं पता। किडनैप किए सीआई को बंधक बनाएंगे या छोड़ देंगे अभी इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह रहा। किडनैप किए गए सीआई के परिवार वाले बहुत ही घबराए हुए हैं और इस बात से पूरे शहर में मातम छाया हुआ है। आखिर में किडनैप किसने किया? नहीं पता सर। कहाँ लेकर गए? वो भी नहीं पता सर। आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता। 10 मिनट के अंदर मेरे पास मेरे लोग होने चाहिए, समझे? सर, पूरी सिटी को अलर्ट कर दो। टास्क फोर्स बढ़ाइए। ओके सर। स्पेशल फोर्स को बुलाइए। ओके सर। ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। पूरी सिटी में सर्च करवाइए। किसी भी हाल में उन्हें छोड़ना नहीं है। अब हमारा सेकेंड बैच ऑलरेडी मेरे बताए गए जगहों पर कुरियर बॉक्स लेकर तैयार। अब स्टार्ट हुए तो बराबर 5 मिनट में कुरियर डिलीवर हो जाएगा। कुरियर कैसे पैक किया है? जैसा आपने बोला वैसा करने में 3 मिनट का टाइम लगेगा। स्टार्ट करने को बोल दो। वो बताई गई जगहों पर पहुंच गए होंगे। अब अंदर गए होंगे। बॉक्स की डिलीवरी दे रहे होंगे। कुरियर ओपन करने के बाद देखकर सब शॉक हो जाएंगे। क्या हुआ देखना चाहोगे? चलो दिखाता हूँ। पीकर हंगामा कर रहे बेटे पे पिता ने किया पुलिस केस। कुरियर में क्या रखा है? जो आपने दिया वही रखा? नहीं रखा। जो दिया था वही रखा था? नो no! मैंने दिया हुआ पार्सल रखा होता तो एंकर्स इस तरह हंसकर बात नहीं करते। ऐसा नहीं होता। उस बॉक्स में क्या था भाई? RDX। अगर ये ब्लास्ट होता तो पूरा शहर रुक जाता। सारी दुनिया मिलाकर एक साथ दिवाली मनाती उतना धुआं होता उतना धुआं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर हुआ क्या? क्यों बे, बॉक्सेस का धमाका क्यों नहीं हुआ यही सोच रहे हो ना? उन बॉक्सेस में क्या जानता है? चॉकलेट? अरे ये कौन है भाई जिसने 5 रुपए की चॉकलेट भेज के 100 रुपए खर्च करा दिए? तुझे बोला था ना तो खुद चलकर मेरे पास आएगा। तूने अपने आदमी बदले थे और मैंने तेरे बॉक्सेस बदल दिए। मेरा प्लान तुझे कैसे पता चला? कैसे? भाई आपसे काम है इसलिए मैं लेके आया हूँ। काम क्या है बोल। एक घंटा पहले तुमसे मिलने कुछ लोग आए। क्यों आए थे? क्या पूछा उन्होंने? क्यों बताना है? तुझे मार नहीं खाना है तो चुपचाप बता दे। तेरे को क्यों बताएं? तुझे मार नहीं खाना है तो चुपचाप बता दे। क्या रे, तुझे बताएंगे तेरी तो। अरे वो बता रहा है ना, तू क्यों छल रहा है? Hey!
ए, चल बोल भाई, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, सारे सीआई तो हमारे पास हैं। बेवकूफ, बॉक्सेस के बारे में जानने वाला सीआई के बारे में नहीं जानता होगा। तू बहुत स्मार्ट है यार, लेकिन तेरे कुरियर वाले आदमी, किडनैपर्स, सब मेरे आदमी थे। सर सर सर, रुकिए, हम किडनैपर नहीं है सर, हम लोग तो बहुत शरीफ आदमी हैं सर, हमारा विश्वास कीजिए, चलते हैं सर। भाई देखिए, सारे बॉक्स यहाँ पर रख दिए हैं। चलो रे, इन सबको जल्दी से ले जाकर भाई को सौंप देते हैं, इनका फैसला भाई करेंगे। हा? क्या देख रहा है, चल। तुझे बताऊं तेरी गलती क्या है, तूने पुलिस को छेड़ दिया, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर वो तेरी सुसु भी रोक देंगे, तूने उनसे पंगा ले लिया है, तो अब सिंपल सी बात है, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, बाय बाय, फोन रख। इस घटना के बारे में एक आदमी ने हम लोगों की बहुत मदद की, उसे हम थैंक्स कहते हैं। मैं किडनैपर को वार्न करता हूँ, वी आर कमिट टू कैच यू, तुम भागोगे फिर भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पुलिस की पावर क्या है ये बताएंगे, थैंक यू। चल बता, तुम लोग कितने लोग हो, तेरा लीडर कौन है, वो कहाँ रहता है, चल बता। पेन दो। पेन? ये क्या सर, गन की जगह पेन मांग रहे हैं? सर गन चाहिए? नहीं पेन। एक और पेन और चाहिए क्या? मैं सब बताता हूँ, मुझे पता है, मैं सब बताता हूँ। गुड, इससे तुमने क्या सीखा? पेन लिखने के लिए नहीं, चुबाने के भी काम आता है। नहीं, पेन सिर्फ सच लिखने के लिए ही नहीं, सच बुलवाने के लिए होता है। उसको लेकर आओ, उसके दूसरे गैंग वालों को उठाते हैं। तुम लोग उधर जाओ, पकड़ो सब लोगों को। सिर्फ एक दिन में 30 खतरनाक गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया है, ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। फोन कर। क्या? फोन कर उसे। चल बक। 9866185039 तुम्हारा फोन नंबर। 8-3-282/11G तुम्हारे घर का नंबर। तुम अवंतिका कॉलोनी में रहते हो, अवंतिका कॉलोनी के ऑपोजिट, सेकंड लेफ्ट, फोर्थ राइट लेंगे तो तुम्हारा घर है। तुम्हारा ऑफिस माधवपुर में है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो और शाम को 6 बजे वापस आते हो। तुम्हें ऑफिस के कैंटीन का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए ऑफिस के सामने वाले होटल में ठीक 1 बजे लंच करते हो। तुम्हारे पास बाइक बजाज पल्सर 150cc है। मेरे पास तुम्हारी इतनी इन्फॉर्मेशन रहने के बाद भी तुम्हें मारे बिना क्यों छोड़ दिया जानते हो? तुम मरने के लिए नहीं, जीने के लिए गिड़गिड़ाओगे। हमें चोट लगती है तो हम चिल्लाते हैं, उसे दर्द कहते हैं। उसी चोट पर बार बार घाव लगे तो हम रोते हैं, उसे दुख कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, औरों की तरह रुलाऊंगा भी नहीं, उससे भी बढ़कर हद से ज्यादा दर्द दूंगा। सुनने में तो दर्द बहुत छोटा शब्द है, पर उसका असर काफी भयानक होता है। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, मेरे एड्रेस के बारे में जानता है, बस इतना ही ना? पर मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ, तुझे पता है? जानते हो, डिटेल में सुन ले बे। गोलकोंडा जिला के बरकत किला में प्रिंस होटल के पीछे वाले स्लम में स्ट्रेट जाएंगे तो 30 नंबर घर के अंडरग्राउंड के बंकर में तू रहता है। घर में 2 बूढ़े रहते हैं, तेरे घर का नंबर है 9-11-57/3। तेरे साथ हमेशा तेरा फ्रेंड रहता है, पूरे हैदराबाद में तेरे लिए काम करने वाले करीब 1000 लोग होंगे, पर केवल 12 लोगों को ही पता कि तू कहाँ पे रहता है, बाकी लोग नहीं जानते, और तू अपने सारे काम उन्हीं 12 लोगों के थ्रू ही करवा। तेरे घर के बहुत पास एक पुराना एम्बुलेंस भी है, इमरजेंसी में भागने के लिए। तेरे घर के आसपास के 5 घरों में तेरे ही आदमी रहते हैं, तेरी रखवाली के। चल अब तेरी पर्सनल बात करते हैं। हाइट 5'11", वेट 82, टी शर्ट साइज XXL, पैंट 32,
तेरे राइट साइड के रिब्स में चोट लगी है, ट्रेनिंग के दौरान लगी थी। इस वक्त तेरे साथ 6 लोग हैं, राइट साइड में तेरा फ्रेंड है, लेफ्ट साइड में बाकी के लोग। क्यों बे, तेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं दी ना? तुम मेरे बारे में सब जानते हो। अब एड्रेस छोड़, तेरा पूरा विकिपीडिया है मेरे पास। चल एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 10 मिनट में अपना घर खाली करके निकल ले, वरना पकड़ा जाएगा। पुलिस ऑलरेडी वहां पर पहुंचती होगी। भाई, हमारे बारे में पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। शाबाश, जीत गए रे तू। तू तो सच में मुझे मेरे अड्डे से भगा रहा है। 2 दिन के बाद कॉल करूंगा, तब तक एंजॉय कर ले, उसके बाद मैं तुझे भगाऊंगा। सुन रहे ना, तैयार रहना। अबे मुझे बाद में भगाना, पहले तू तो भाग ले। चल फोन रख। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मामा के घर जाना है। क्यों क्यों भाई? हाँ, तुम वही हो ना जो शादी के समय लड़का देखने आया उसके सामने आई लव यू बोल दिया? हाँ। वो यहाँ काम करने वालों में है। तुम फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लड़का स्मार्ट तो दिख रहा है। हाँ चाचा जी, लड़का बहुत सुंदर है। हाँ चाचा जी, सुंदर है। यू आर राइट, जब आपने ओके किया है मामा जी तो लड़का स्मार्ट होगा ही, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि ये वाकई इतना स्मार्ट है? लड़की देखने आया तो उसने आई लव यू बोला, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, अगर कल सुबह मैं उसे प्रपोज कर दूँ तो मेरे से शादी कर दोगे क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। फॉलोइंग? हाँ, जानता हूँ। जाने दो यार, इस बार इसे माफ कर देते हैं, चिंता मत करो। अच्छा छोड़ो, मामा जी, चाचा जी, आप इसे कुछ पूछने वाले थे ना, पूछिए ना। क्यों भाई, पूछना शुरू करूँ? ओके, लेट अस स्टार्ट। आप चुप रहिए, हमेशा आप ही बात करेंगे क्या? आज मैं बात करूंगी। भाभी पहले आप पूछिए। आर यू रेडी? जी हाँ रेडी हूँ। सैलरी कितनी है? महिलाओं का पहला सवाल। आप चुप भी रहिए, अब बताओ सैलरी कितनी है? 80,000। कितना बचाते हो? कुछ भी नहीं। अरे तुम तो अकेले हो, खर्च इतना ज्यादा क्यों? क्या है कि इन दिनों आपकी बेटी शॉपिंग कुछ ज्यादा ही कर रही है। क्या? अभी से स्टार्ट कर दिया? अच्छा ये बताओ, इससे पहले कितनी लड़कियों से प्यार किया? किसी से भी नहीं जी। ये पहली लड़की है? जी हाँ। तो शादी के बाद प्यार करोगे क्या? अनुमान है। आप चुप रहिए, इसकी आदतों के बारे में हमें जानना चाहिए। तुम बताओ बेटा, शादी के बाद प्यार करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं। दीदी और सवाल करने हैं क्या? नहीं भाभी, लड़का अच्छा है, मुझे पसंद है। सुनिए, आपको कुछ पूछना है? बेटा तुम्हारी गलत आदत क्या है? एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी होगी ना, वो बता दो। दारू पीते हो? अरे रे, आदमी शराब पीना छोड़ते हैं क्या? तुम चुप रहो, आजकल के जवान लड़के शराब बहुत पीते हैं। भाई साहब, गलत आदत के साथ उधार भी। करेक्ट। क्यों भाई, सही है ना? ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छी आदतें हैं मुझमें, आज तक उधारी नहीं की है और आगे का तो पता नहीं अभी तक। क्यों बेटे, तुम नाराज होते हो क्या? हाँ थोड़ा बहुत होता है। ऐसा क्या, नाराज होकर लड़की को पीटा? तो पीटोगे क्या, डांटोगे भी तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी कर लो, ये नहीं छोड़ेंगे। ऊंची आवाज की तो भी नहीं छोड़ेंगे हम। ज्यादा सोचो मत, इन सब का कोई उपाय नहीं है। पता है तुम्हें, मेरी बेटी राजकुमारी है, महारानियों की तरह रहती है, अच्छे से ख्याल रखना तुम उसका। जरूर ख्याल रखेगा, ये ख्याल नहीं रखेगा तो हम चुप रहेंगे। बताओ क्या गारंटी है? गारंटी नहीं, एग्रीमेंट करवा के दो। हाँ, स्टैम्प पेपर पर लिखना होगा। हाँ सही है। क्यों खड़े हो गए? एग्रीमेंट साइन करो ना। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, आपको यही जानना है ना? हाँ। मैं आपकी बेटी का ख्याल अच्छे से रखूंगा, अच्छे से मतलब इसे खूब हंसाऊंगा, अगर ज्यादा हंसी तो फिर मजाक में रुलाऊंगा, अगर सीरियसली रोएगी तो फिर प्यार से समझाऊंगा, अगर फिर भी नहीं समझी तो कान के नीचे अच्छी तरह बजाऊंगा। अच्छी तरह कैसे? मेरा मतलब है कि एक प्यारा सा थप्पड़ मारूंगा और तब भी नहीं मानी तो उसी गाल पर प्यार से एक पप्पी दूंगा। दूसरे शब्दों में मैं छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखूंगा, खिलाऊंगा, हंसाऊंगा, रुलाऊंगा, समझाऊंगा। मैं आपकी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, इतना खुश रखूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी बेटी आप सबको भूल जाएगी। और रही बात आप सबकी, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच अगर मेरे घर में कोई भी आया तो उसे पानी भी नहीं दूंगा। हम दोनों ही काम करते हैं ना, तो आप लोग जब भी हमारे घर आएंगे हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। और एक बात, अगर हर शनिवार की सुबह आप लोग मेरे घर में नहीं आए तो मैं आपके घर आऊंगा और 4 बातें सुना के जाऊंगा। आप शनिवार को आएंगे और सोमवार को जाएंगे ताकि हम सब मिलकर साथ में एंजॉय कर सकें। मामा जी ताश खेलते हो? ड्रिंक? कभी? घबरा रहे हो, मतलब पक्का पीते होगे? हम साथ में ड्रिंक करेंगे और मस्ती करेंगे, रात भर ताश खेलेंगे।
मौसा जी और बुआ जी, हम साथ में पकवान बनाएंगे। और रही बात तुम लोगों की, तुम लोग मेरी बीवी के साथ घुलो मिलो मुझे चलेगा, बस मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा देना। क्यों? ताकि मैं उससे घुल मिल सकूं। ए, तुम लोग मेरे भाई जैसे हो तो बड़े भाई से जरा इज्जत से पेश आना, वरना थप्पड़ भी पड़ सकता है। और तुम दोनों मेरी साली हो, मतलब आधी घरवाली हो, मेरी हर एक चीज में तुम्हारा आधा हिस्सा हमेशा रहेगा। अपनी बहन के साथ एंजॉय करो, ठीक है? मामा जी, आपकी बेटियों के साथ मैं मजाक करूंगा, मस्ती करूंगा, आप रोकना मत, ठीक है? और आखिरी बात, आप सब मेरी फैमिली की तरह है। ए, श्रीमती जी, मेरा गला सूख गया, कुछ पीने को दो। जीजा जी, जीजा जी, मामा जी, मामा जी, लड़कियों को पसंद है। बोलो। नींद नहीं आ रही है। तो क्या करूं, तुम्हें लोरी सुनाऊं, तुम्हें बहलाऊं, कान के नीचे थप्पड़ चाहिए? वो बात नहीं है। तो फिर क्या करूं? यहाँ आओगे क्या? क्या? नहीं 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 नहीं, तुम गलत मत समझना, थोड़ी देर वॉक करने के लिए आओगे क्या? तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? क्योंकि मेरी नींद खराब करने वाले तुम हो। क्यों, मैंने क्या किया? सच में नहीं जानते हो या नाटक कर रहे हो? ड्रामा क्वीन तो तुम हो, मैं तुम्हारे सामने नाटक क्यों करूंगा? भगवान, कम से कम रात को तो इसका एक्सप्रेशन चेंज हो, कुछ तो करो आप यार। भाई साहब, आपके पास कौन सी आइसक्रीम है? आपको कौन सी चाहिए मैडम? कौन वाली आइसक्रीम है? नहीं है मैडम, इसीलिए पूछा कौन सी है आपके पास। चॉकोबार वैनिला बटर। चॉकोबार दे दो। जी मैडम। पैसे दे दो, ये लो। तुम्हें क्या हो गया? मैडम को चॉकोबार चाहिए था तो डायरेक्टली मांग लेना चाहिए था सर, कौन सी है क्यों पूछा सर? तुम्हारी एज क्या है? 20 साल है सर। 60 के हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे, लड़कियां ऐसी होती हैं। क्या सर? लड़कियां किसी की समझ में नहीं आती, मत सोचो। तुम्हारे होठ इतने लाल क्यों हैं? लिपस्टिक लगाई हो क्या? अरे नहीं है, चलो आ जाओ। क्या हुआ? कोई देख लेगा यार। तो क्या हुआ? डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? वो मुझे नहीं पता, चलो यहाँ से। मेरे सामने भोला बनने की एक्टिंग मत करो, ऐसे मत देखो मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज, तुम्हारी हंसी। बस हंसी और कुछ नहीं? और भी चाहिए, तुम्हें देखना है क्या चाहिए। क्या मतलब? तो फिर ऑक्सीजन का क्या मतलब? अरे, दो दिन अच्छे से एंजॉय किया ना? बात क्या है वो बोल। वो कुरियर बॉक्सेस तुम्हारे पास ही है ना? उनमें से एक निकाल कर जिसे मैं कहूंगा उसे देकर आना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें डराने वाला हूँ और तुम डरने वाले हो। अच्छा, नहीं डरोगे? अच्छा देखते हैं। अब मैं सिटी सेंटर मॉल में हूँ। बहुत बड़ा मॉल है। हाँ तो? मैंने एक लॉन्ग कोट पहना है जिसके दोनों तरफ जेब है। मेरे राइट पॉकेट में क्या है जानते हो? छोटे बच्चे दिवाली में डिशुम डिशुम खेलते हैं ना, उसे गन कहते हैं। वैसे भी मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। मेरे राइट साइड में एक औरत है और लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोग हैं। अब मेरी राइट साइड वाली औरत से हंसते हुए बात कर कर मैं अपनी लेफ्ट साइड से गोली चलाकर लोगों को मारूंगा तो किसी को पता चलेगा कि गोली मैंने ही मारी है। वैसे आवाज तो अच्छी आएगी ना, पर मेरे गन से आवाज नहीं आएगी, उस पर साइलेंसर लगाया है। ए! हेलो मैम। या टेल मी। डू यू फ्रीक्वेंटली विजिट दिस मॉल? या। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट दिस मॉल? अरे क्या हुआ? अरे हे, क्यों रे? इंग्लिश मूवीज में जैसे दिखाते हैं वैसे मारूंगा तो ही डरेगा, ऐसे मारूंगा तो भी डरना पड़ेगा। अब तुम कुरियर लेकर जाओगे? अब जाओगे? ठीक है। हाय बेबी। हाय अंकल। यू आर सो क्यूट। थैंक्स अंकल। से हाय टू अंकल। हाय अंकल। हे, वो बच्ची है। हाँ मुझे पता है। देख, वो इनोसेंट है। तुम मेरा कहना मान जा। देख, पार्सल लेकर जाएगा या नहीं? लेकर जाऊंगा, उस बच्ची को कुछ मत करना। You're so lucky.
ठीक आधे घंटे में साइबर टावर के पास कुरियर लेकर जाओ। ठीक है, लेकर आता हूँ। एक मिनट। अब क्या है? बेबी, गुड बाय। हे, बोलना चाह रहा हूँ, तो फिर तूने उस बच्ची की जान क्यों ली? चिल्ला मत, आधा घंटा साइबर टावर, जल्दी पहुंच। उसे रोकना पड़ेगा, उसे रोकना है, रोकना पड़ेगा। कैसे? हेलो, मेरा काम करने में कितना वक्त लगेगा? हाफ एन आवर। नहीं चलेगा, इतना वक्त नहीं मेरे पास। कम ऑन, फास्ट। हाँ ठीक है। हेलो, साइबर टावर के पास। गुड, तुम्हारे सामने एक फ्लाईओवर है। हाँ है। उसके नीचे एक सिग्नल है, ठीक 2 मिनट में सारे सिग्नल जाम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे, उस ट्रैफिक में बसेस, कार्स, ऑटोस। ठीक उसी टाइम पर वो बॉक्स उस सिग्नल के पास रख कर उसे ऑन कर दो, समझ गए ना? और मेरे अगले कॉल का वेट करो। वेरी गुड रानी। मैं तेरे ही कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। बॉक्स रख दिया? अरे पगले, शॉपिंग मॉल के किसी भी शॉप में टीवी ऑन होगी, न्यूज देख ले। द्वारका नगर बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी का फोटो मीडिया को मिल गया है और ये रहा उसका फोटो। ये शहर के किसी एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। क्यों भाई, फोटो पसंद आई क्या? अभी भी मारेगा? नहीं, जितनों को मार सकता है मार दे। तेरी तो उनमें से कोई भी तुझे पहचान गया तो कुत्ती की तरह मारेंगे तुझे, और पुलिस ने देख लिया तो फिर तेरा टिकट कट जाएगा। अब तेरे लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है पता है? मेरा घर। एड्रेस तो पता ही होगा, अब जल्दी से आ जा। कौन है वो? उसे मेरा एड्रेस कैसे मिला? मेरे बारे में पता कैसे चला उसे? रुकना पड़ेगा। कैसे? क्लाइंट हेड एलियास 761 बॉस। मेरा हर प्लान उसे पता कैसे चल जाता है?
से मेरी फोटो कैसे मिली? इनमें से 761 कौन है? नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलोगे? ठीक है, ठीक है, तू अब बोलेगा। डाल दूं अंदर, डाल दूं अंदर। बोल, बोलेगा? बताता हूँ। 761 कौन है? बोल, बोलता हूँ। बोल, बोलता हूँ, बोलता हूँ। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? बोलो। सुनो, तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी, द्वारका नगर में बॉम्ब ब्लास्ट ने करवाया था। ये फोटो सारे चैनल्स में जानी चाहिए, ओके? राइट नाउ। ओके। लेकिन इससे ये इसे कैसे पकड़ेगा? क्या कहा? अपने डेली की रिपोर्ट ऊपर वाले को पहुंचा देनी चाहिए, यही बोला। क्लाइंट हेड को पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चल जाएगा। भाई, न्यूज में जैसे बताया कि 6 लोग थे, लेकिन वो 2 लोग थे। आप पंकज के दोस्त हो? तो तेरे सारे दांत टूट जाएंगे। देखेगा, देखेगा। ये लोग मुझे मारने के लिए रात के 10 बजे आए थे। 10 बज चुके हैं, कॉलोनी में सब आराम से सो रहे हैं। ये उसी दिन की बात है जब मैंने रानी को आई लव यू बोला था, मतलब दिसंबर 16। टेन 30 को कॉल आया था और वो 10 बजे आए थे। वो लोग मेरे पास आए थे, हमारी फाइट हुई, मतलब कि उस 76 वाले का नंबर यही है। अगर ये 761 वाले का नंबर है तो उसी दिन शाम को 7 बजे पप्पू की मौत हुई थी और ये खबर न्यूज़ पर भी आई थी। पप्पू नाम के व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने मार के उसे पार्क में फेंक दिया। नंबर यू वांट टू रीच इज करेंटली नॉट रीचेबल। वेलकम सर, मेरा नाम रवि है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सर? तुम्हारी सैलरी कितनी है? सॉरी, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 10,000 सर। 10 मिनट में मैं तुम्हें डबल दूंगा, मतलब 20,000 दूंगा। बस मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। किसी भी तरह की हेल्प कर सकता हूँ सर। 7891230000। मुझे इस नंबर की पूरी डिटेल चाहिए। ओके। ram@gmail.com मेरी आईडी है। ओके सर। डेटा जल्दी भेजो। 3262448082 HDFC बैंक का अकाउंट है सर। और कुछ सर? डिसंबर 16 का कॉल डेटा देखते हैं। डिसंबर 16, 7:02 पर कॉल आया था। पप्पू की न्यूज 7 बजे आई थी। 7:02 पर 761 का कॉल आया था, मतलब वो न्यूज देखने के बाद 761 को किसी ने कॉल किया होगा। 761 को कॉल करने वाले के डिटेल्स निकाल लूं तो निकालता हूं। हेलो, चेक करो, तुम्हें एक और नंबर भेजा है, उसके डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके। अमित पनवर, हाउस नंबर 72, MG स्ट्रीट, आजमगढ़। आजमगढ़? पहले आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता था। इंडियन मुजाहिदीन से जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब आजमगढ़ के हैं। मतलब के कॉल करने वाला ही 761 का बॉस है। चक्री के कहने के मुताबिक तो एड्रेस यहीं का है।
उसने पब्लिक टेलीफोन बूथ से फोन किया था। सुनिए भाई। बोलिए। दिसंबर 16 को रात के 7 बजे मुझे यहाँ से कोई कॉल आया था, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था जिसने मुझे कॉल किया था? नहीं, याद नहीं है। थोड़ा याद करो ना भैया। रोज हजारों लोग यहाँ फोन करने आते हैं, कैसे याद रखेंगे भाई। अब इसका एड्रेस कैसे ढूंढूं यार। डेली की रिपोर्ट ऊपर वाले को पहुंचा देनी चाहिए, यही बोला। लोग जुड़े हैं वो सब आजम लाइन हेड को पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चल जाएगा। दिसंबर 16 को शाम के 7:02 पर फोन आया था। 7 बजे टीवी पर न्यूज आया था। 7:02 पर उसका कॉल आया था। बीच में 2 मिनट का गैप था। अगर इंसान 1 मिनट में 40 कदम चल सकता है तो फिर 2 मिनट में 80 कदम चलेगा, मतलब कि इस दुकान से 80 कदम की दूरी पर वो यहीं आसपास ही कहीं होना चाहिए। भैया सीधा जाएंगे तो कहाँ निकलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी। लेफ्ट में जाएंगे तो? बाजार। राइट में? मंदिर है। पीछे? गली है। आप कहाँ रहते हैं? वहीं पर रहता हूँ भाई। कब से? बचपन से। आप मेरी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। 76, 77, 78, 79, 80, यहाँ तक तो 80 हुआ, मतलब इस तरफ या उस तरफ वो कहीं आसपास से रहता होगा। भैया ये घर किसका है? रावत भाई। क्या करते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस घर में? अग्रवाल साहब। और वो क्या करते हैं? फोन बिजनेस। और उस घर में? रघुवंश साहब, ट्रैवल बिजनेस है उनका। ये घर किसका है? ये शोएब साहब का घर है, मालिक लोग बाहर रहते हैं दुबई में, यहाँ कुछ काम वाले रहते हैं। सुना है वो बहुत पढ़े लिखे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, पता नहीं इस घर में क्यों काम कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी इस घर में काम करते हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, 1985 दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCA ब्रांच, गोल्ड मेडलिस्ट। वैसे तो गोल्ड मेडलिस्ट कभी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम इस घर में नौकर का काम कर रहे हो। यहाँ के ओनर्स दुबई में रहते हैं, मतलब कि ये तुम्हारा असली काम नहीं है। चल बता तेरा असली काम क्या है। ट्रांसमीटर मैंने तेरे लिए स्पेशली मंगवाया है और अब से तेरे चमचे का हर एक एक्शन, हर मूवमेंट, उसके पूरे दिन की रूटीन तू सब मुझे बताएगा। नहीं बताऊंगा। उसका नेक्स्ट प्लान क्या है? नहीं मालूम। करता हूं। सब CIA लोगों को पिकनिक ले जाएंगे और तोहफा भी भेजेंगे। डिलीवरी ब्लास्ट। ठीक है। मतलब क्या है? CIA किडनैप, कोरियर डिलीवरी। भाई पहले CIA को किडनैप करने को बोला है, बाद में कोरियर डिलीवरी करने। किडनैप के बाद CIA को उनके कहने के मुताबिक वहीं पर रखने के लिए कहो और बॉक्सेस चेंज करवा दो। कहाँ रहता है वो? गोलकोंडा कोटे के पास, बरकत किला के पास वाले घर में। वो फिलहाल वहीं रह रहा है। चैलेंज देकर मुझे अपने घर लेकर आया है, एक बार अपनी शक्ल तो दिखाओ पूरी तरह।
कौन है तू और मेरे बारे में कैसे पता लगाया? कैसे पता लगाया ये तो नहीं बताऊंगा, पर कौन हूं ये बताऊंगा। मेरे डैड आनंद राव एक दिन हॉस्पिटल के वरामदा में खड़े होकर सोच रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा मुबारक हो आपको बच्ची हुई है। वो बहुत खुश हुए ये सोचकर कि उनके घर में महालक्ष्मी आई है। इसका पालन पोषण कैसे करूंगा, कितने प्यार से इसे संभालूंगा, कितनी अच्छी तरह इसकी शादी करूंगा और इन सबको करने के लिए कैसे अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। जिंदगी की छोटी से छोटी खुशियों में भी बड़ी खुशी ढूंढने वाले ऐसे मध्यम वर्ग के पिता का वारिस हूं मैं। मेरी माँ मंदाकिनी हर रोज सूरज उगने से पहले ही उठ जाती थी और रात में सबसे आखिर में सोती थी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे घर बच्चे खाना खेल बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी दिखती मेरी माँ। जिंदगी में उन्होंने कभी कुछ और नहीं चाहा, कुछ और नहीं मांगा। एक ऐसी मध्यम वर्गीय माँ का बेटा हूँ मैं, उसका लाडला हूँ। मेरी दीदी कीर्ति वरामदे में एक छोटा सा बच्चा उसे माँ माँ कह के रोता था। वो कहती बेटा माँ काम कर रही है ना, और जब भी वो रोता था वो प्यार से उसे संभाल लेती थी। वो गाती थी उसे सुलाती थी, उसने सपने देखे थे अपने बेटे को बड़ा करेगी। हम दोनों भाई बहन प्यार से लड़ते झगड़ते बड़े हुए। मेरी दीदी मेरी माँ भी थी और मेरी दोस्त भी थी। उस दयावान और ममतामयी दीदी का लाडला भाई, लेकिन तूने कुछ ही मिनटों में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी वजह से मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रह गया। तेरी वजह से मैं जिंदगी में तीन बातें भूल चुका हूं। माँ भूख लगे खाना दे, पापा पैसे नहीं है पैसे दो, दीदी ये मेरा है मुझे दे दो। ऐसे क्या देख रहा है, इन सब चीजों की कीमत तुझ जैसे दरिंदे को क्या पता। तेरी तो बहुत बोल रहा है तू। गन में साउंड होती है, बाहर पुलिस घूम रही है। क्या है ये? तलवार है। क्यों? लाइफ में पहली बार मैं किसी को जी भर के मारना चाहता हूं, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इसलिए इसे अपने पास रख। ये रही तेरी तलवार, तू ही रख। उठ साले। बस दो मिनट फिर ये तलवार तेरे काम आएगी। Go!
मुझे ये बता, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? नहीं बताऊंगा, तू इसी सवाल के साथ मरेगा। द्वारका नगर में जिन अपराधियों ने बम रखा था वो यही है, ऐसी हमें सूचना मिली है। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। पर्दाफाश करने के लिए मीडिया। हमें नहीं पता, हम लोग बहुत दिनों से अच्छा काम किया है। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोगों में काफी रोष है, उन लोगों का पता जल्द ही चल जाएगा। कैसा दिखता है वो, कहाँ रहता है अभी तक मालूम नहीं।